हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डनिंग। और फ्रेंड्स, आज संडे ओवरव्यू में आप देखेंगे मेरे गार्डन में जितने भी फ्लावरिंग हुई है और मैंने न्यू शॉपिंग की है उनके प्लांट और मैंने कहाँ रखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे न्यू प्लांट खरीदे हैं केलांचो के, इनके कलर्स और इनकी जो देखिए मैं आपको दिखाऊं कि इसमें कितनी अच्छी खूबसूरती से फ्लावर आए हैं। कुछ बर्ड्स हैं जो अभी खिलने वाली हैं, तो सभी में मैंने ऐसे लिए हैं। और ये देखिए, और कुछ केलंचो के प्लांट मेरे पास में रखे हुए फ्रेंड्स, तो मैं उन्हें भी दिखाऊंगी जो टेरेस पे रखे। इन्हें मैंने यहाँ पर बालकनी में रखा है फ्रेंड्स। और एक ये लिली है जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, इसका फ्लावर खिल के निकल गया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये जो वही गुलाब है फ्रेंड्स जिसका मैंने आपको पिछले संडे बताया था, तो अभी तक इसमें फ्लावरिंग बनी हुई है। कुछ फ्लावर जो हैं वो खिल के गिर गए हैं, तो अब मैं इनकी थोड़ी सी ये निकल जाएं उसके बाद में फ्रेंड्स मैं इसकी जो पिंचिंग है वो कर दूंगी। तो इस तरीके से सारी कलियाँ निकाल दूंगी तो फिर इसमें से नई नई बर्ड्स फिर आने लगेंगी। तो इसे थोड़ा सा मैं खाद वगैरह भी दूंगी, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, ये गुलदाउदी के वही प्लांट है फ्रेंड्स जिसकी कटिंग की वीडियो मैंने टाइम टू टाइम आप सबके साथ में शेयर की थी फ्रेंड्स। और देखिए अभी इसमें कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। और ये वाइट कलर निकल कर आया है, एक मेरे पास में येलो था एक वाइट था, तो बाकी तो सारे जो ऑरेंज कलर है फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, ये सारी ऑरेंज कलर की ही निकल कर आई हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी मेरे पास में गुलदाउदी की कटिंग से उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए, और एक ये बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का डहलिया है जो मैंने अभी अभी परचेस किया था फ्रेंड्स 200 रुपीज़ में। और ये सारी गुलदाउदी की कटिंग्स को मैंने बालकनी में रखा है क्योंकि गिलहरियों का जो अटैक था वो फ्रेंड्स इसके ऊपर होने लगा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक सिंदूरी कलर का जो डहलिया है ये उसका फ्लावर है, ठीक से दिख नहीं पा रहा है, तो देखिए इस तरीके से। और एक ये वाइट कलर का है फ्रेंड्स, इसका फ्लावर थोड़ा सा अभी इसको खिले हुए टाइम हो गया है फ्रेंड्स, तो थोड़ा मुरझा गया है, तो मैं कुछ टाइम बाद इसको निकाल दूंगी तो इसकी नई नई जो बर्ड्स आ रही हैं फिर उसमें से फ्लावरिंग होगी। और एक ये नई कलर नया डिज़ाइन निकल के आया है फ्रेंड्स, कटिंग तो वही है फिर भी लेकिन इसमें थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स ये भी है, तो इतनी सारी मेरी जितनी भी गुलदाउदी है उसमें सब में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है देखिए। और मेरी जितनी भी बालकनी है पूरी फ्रेंड्स फ्लावर्स से ढक गई है। तो एक ये है मेरा येलो कलर का फ्लावर है फ्रेंड्स, ये भी डहेलिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, दो खूबसूरत से ऑरेंज और सिंदूरी कलर का शेडेड लिए कलर फ्रेंड्स। एक ये है मेरे पास में, देखिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए कि एक फ्लावर की यहाँ तैयारी हो रही है खिलने की। ये रेड कलर का जो मेरा प्लांट है गुड़हल का, इसके ऊपर थोड़े से इंसेक्ट का अटैक दिख रहा है मुझे देखिए, और मिली बग भी है। तो आज संडे है फ्रेंड्स, तो मैं इसके ऊपर दवाई ज़रूर डालूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो गुलदाउदी है उनके ऊपर फ्लावरिंग है, कितनी प्यारी हो रही है फ्रेंड्स देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो नए नए फ्लावर लिए थे उसके ऊपर भी अभी थोड़े टाइम में ये फ्लावर खिल जाएगा, ये ऑलरेडी खिला हुआ है फ्रेंड्स देखिए। और इसकी भी थोड़ी सी खिलने की तैयारी है, तो जैसे जैसे धूप आएगी फ्रेंड्स वैसे वैसे इसके ऊपर फ्लावर खिल जाएंगे। तो मैं इस फ्लावर को हटा देती हूँ। और देखिए, एक ये है पिंक कलर का फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स टेरेस पे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे टेरेस पे भी बहुत सारे फ्लावर आए हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरी पूरी बालकनी जो है फ्रेंड्स फ्लावर से पूरी तरीके से भर गई है, और इसका यहाँ पर खड़े रहकर इसको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स टेरेस पे चलते हैं। टेरेस पे जाने से पहले फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ सीड्स मैंने लगाए थे और मैंने आपके साथ में इसको शेयर भी किया था। तो ये वाले फ्रेंड्स मैंने लगाए थे, और ये वाले डेलिया के थे, यहाँ पर गजानिया के हैं फ्रेंड्स। और ये वाले फ्रेंड्स ये गजानिया के हैं फ्रेंड्स देखिए, और ये वाले कैलेंडुला के थे। तो फ्रेंड्स जब मैंने इन पौधों को सीड को लगाया था तो उसके बाद में फ्रेंड्स जब मैं दो दिन बाद गई थी तो फ्रेंड्स इन जो इस प्लांट की इस डिब्बे के जो ऊपर का कवर था ढक्कन था उसको गिलहरी ने खोल दिया था फ्रेंड्स। और आप जो ये देख पा रहे हैं कि ये जो सीड्स हैं ये फ्रेंड्स उसने निकाल कर खा लिए थे, वरना तो इसमें भी बहुत सारे सीड्स लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से गिलहरी ने मेरा सारा नुकसान किया। और जो ये वाला था मैरीगोल्ड का डिब्बा फ्रेंड्स, इसको भी उसने थैली को पूरा निकाल कर फेंक दिया था। तो मैंने इसे यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है कि ये जो विंडो है फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप आती है,
और यहाँ से ये बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। तो मैंने जितने भी अपने सीड्स थे जो बच गए थे तो मैंने उन्हें यहाँ पर लाकर रख दिया है फ्रेंड्स। और देखिए कि ये जो डहेलिया के जो प्लांट निकल कर आए हैं फ्रेंड्स, उसमें से सेकेंड पत्ती भी निकल रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि इसमें से सेकेंड पत्ती निकल रही है। अभी थोड़ा सा मैं और वेट करूँगी फ्रेंड्स कि सभी में अच्छी से पत्ती निकल आए। ये टू पत्ती है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी और इस टाइप की पत्तियां निकल कर आएगी तब मैं इसे दूसरे पॉट में छोटे छोटे से गिलास में, इस टाइप के गिलास में मैं सेपरेट सेपरेट एक एक प्लांट को शिफ्ट कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी मेरे कुछ प्लांट रखे हुए हैं। ये एग्लोनीमा है फ्रेंड्स, इसे डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने इसे यहाँ पर बालकनी में रख रखा है और इसके साथ में अरेका पाम भी रख रखा है। तो इस तरीके से अरेका पाम भी यहाँ पर रहता है, कुछ इंडोर प्लांट भी है जो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम टेरेस पे आ गए हैं और यहाँ पर सारे ही प्लांट रखे हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे करके आपको जो न्यू ग्रोथ है वो सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखिए कि मेरे जो अडेनियम है उसमें अभी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, और मैंने कुछ अडेनियम थे मेरे पास में, ये दो अडेनियम थे फ्रेंड्स, इस पे फ्लावर आके निकल गई थी, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स इसकी प्रूनिंग कर दी थी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से छोटी छोटी सी नई नई ब्रांच निकल रही है, जिनमें अभी कुछ टाइम बाद जब इसका सीजन आएगा फ्लावरिंग का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रांचों में जो फ्लावरिंग होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी अपने जो अडेनियम है उसके प्लांट की आप यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए ऊपर से, और फिर उसके बाद में नीचे से नई नई ब्रांचेस निकलेगी, तो आपके जो अडेनियम है उसमें नई नई ब्रांच के ऊपर फिर काफी ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावर आएंगे। तो अभी तो फ्रेंड्स मैंने इसको डोरमेंसी में है, तो इसके पहले ही मैंने इसको कर दिया था। और इसको भी देखिए फ्रेंड्स कि ये काफी अच्छी ज्यादा इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स तो आप देखिए मेरे कमल के जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी वीडियो, तो इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी चलने लग गई है फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड लोगों ने मेरे से पूछा था, मेरे व्यूवर्स ने पूछा था कि क्या ये ठंड में चल पाएंगे, तो फ्रेंड्स ये चलता तो है ठंड में लेकिन डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने इस वक्त इसे लेना और इसको लगाना काफी बेहतर समझा, कि अभी फ्रेंड्स ये सिर्फ डोरमेंसी में है तो इसकी ग्रोथ तो चलती ही रहेगी फ्रेंड्स, लेकिन जैसे ही ये गर्मी आएगी तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और फरवरी या मार्च में इसके फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी लीव का साइज देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने लिया था तो ये फर्स्ट लीव थी फ्रेंड्स इसमें लगी हुई थी, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे देखिए फ्रेंड्स इसकी लीव भी बड़ी आने लगी है और ये काफी ग्रोथ भी कर रहा है फ्रेंड्स की। देखिए मैंने इसे सिर्फ यहाँ पर लगाया था और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी सी न्यू पत्ती भी आ रही है, और इसके बाद में फ्रेंड्स एक यहाँ से निकल कर आई। तो ये लगाया मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर है लेकिन निकल के यहाँ से आई है, तो इसकी ग्रोथ यहाँ तक पहुँच गई है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप, और काफी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए इसमें भी काफी बड़ी साइज की पत्तियाँ आ रही हैं, और मैंने इसे यहाँ पर लगा रखा है फ्रेंड्स। और इसकी जो एक ब्रांच थी वो टूट गई थी तो मैंने उसे भी यहाँ लगा दिया था, तो वो भी ग्रोथ करने लगी है। इसके अलावा उन्होंने मुझे जो गिफ्ट दिया था फ्रेंड्स, तो मैंने उसे यहाँ पर लगाया है, तो वो भी काफी अच्छा चल रहा है फ्रेंड्स। तो उसकी भी पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी है लेकिन टाइम के साथ वो भी काफी अच्छी ग्रोथ करने लग जाएंगी। तो इसमें भी छोटी छोटी सी लीव्स आ रही हैं। तो कमल को फ्रेंड्स आप इस वक्त भी लगा सकते हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम आएगा तब तक ये काफी मेच्योर हो जाएगा, काफी ज्यादा अपने आप में डेवलप हो जाएगा, तो आपको फ्लावरिंग जल्दी मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर मेरे थोड़े से मिर्ची के और पपीते के प्लांट रखे हुए हैं फ्रेंड्स, तो देखिए। और मेरा जो ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो भी धीरे धीरे बन रहा है। इसके अलावा बात करूं फ्रेंड्स तो मेरी जो सबसे ज्यादा खुशी की बात है जो मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए बहुत वेट कर रही थी संडे ओवरव्यू का, तो फ्रेंड्स वो है कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक प्यारा सा छोटा सा टमाटर लगा हुआ है, और ये प्लांट को मैंने आपके साथ में मिलके ही रिपोर्ट किया था फ्रेंड्स, आपके साथ में शेयर की थी वीडियो, और मैंने अभी भी आपके साथ में एक वीडियो बनाकर शेयर की थी फ्रेंड्स जब इसमें फ्लावरिंग आई थी, और मैं अब आज आपके साथ में इस टमाटर की वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट ये टमाटर है और बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स की, मुझे इसे देखकर बहुत खुशी होती है। बस मैं हर वक्त आकर इसको चेक करती हूँ कि कहीं गिलहरी इसे खा तो नहीं गई है, कहीं ये गिर तो नहीं गया है, तो काफ़ी अच्छी खुशी हो रही है फ्रेंड्स। और मुझे इसमें कामयाबी मिली है कि मैंने इसमें किचन वेस्ट खाद में से टमाटर के प्लांट को लगाया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है,
और वैसे तो कहते हैं कि टमाटर का प्लांट काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, पर देखिए फ्रेंड्स अभी नई नई इसमें शूट्स आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, और अब मतलब कि ये पूरा बाहर पे आ गया है फ्रेंड्स। तो अब मुझे इसे थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा कि मैं इसे थोड़ी सी ब्रांचेस लगा दूं, लकड़ियां लगा दूं इसके साथ में, इसके सहारे पे बांध दूं, ताकि इसमें जब फ्रूटिंग होगी तो ये इसके जो लोड है उसकी वजह से ये झुक नहीं जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे जो पिटूनिया है उसके प्लांट भी काफी अच्छे चल रहे हैं और इसमें थोड़ी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स। तो देखिए, और छोटे छोटे से भी प्लांट है फ्रेंड्स, तो मैं इसकी थोड़ी सी पिंचिंग करके इसको अच्छा घना बनाऊंगी, अभी मैं इसकी फ्लावरिंग नहीं लूंगी। और इस प्लांट को देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक फ्लावरिंग हो गई है और दूसरी फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो रही है और इसमें नई नई कलियां भी बन रही है देखिए फ्रेंड्स। तो ये काफी अच्छा और हेल्दी प्लांट था मेरे पास में, मैंने सबसे पहले ही इसे ग्रो किया था। इसके अलावा मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि मेरे पास में और भी सीड्स हैं, और देखिए फ्रेंड्स ये एक और है मेरे पास में टमाटर का प्लांट, तो देखिए इसकी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स देखिए, और काफी अच्छा चल रहा है ये भी। इसमें भी अभी टमाटर शायद लगने ही वाले हैं, पर इसकी हाइट उससे काफी ज्यादा है। और फ्रेंड्स ये जो टमाटर का पौधा है वो नींबू के प्लांट में लग गया था और मैंने देखा नहीं फ्रेंड्स, तो इस वजह से ये जो है काफी बड़ा हो गया था, तो इसकी रिपोर्टिंग संभव नहीं थी फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इसे इसी में लगे रहने दिया। तो इसलिए इसकी फ्रूटिंग जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन देखने में उस टमाटर के प्लांट से इसकी हाइट काफी ज्यादा है देखिए फ्रेंड्स, ये काफी बड़ा है और ये यहाँ से यहाँ तक आया है। तो खैर फ्रेंड इस पे भी आएगी अगर फ्रूटिंग तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और ये मेरा लेमन का प्लांट है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये कोलियस के प्लांट है और मैंने इन्हें कोलियस के प्लांट को वापस से टेरेस पे रख दिया है, क्योंकि अब जो गिलेरिया है उनके लिए मैंने एक समाधान ढूंढ लिया है कि मेरे जो प्लांट है उनको गिलेरियां खा जाती थी। तो मैंने अपनी मम्मा को बताया था और मेरी मम्मा ने मेरा एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम को सोल्व करके बताया है, मुझे आइडिया दिया कि जो गिलेरियां होती है उनके लिए मैं थोड़ी सी रोटी या फिर ब्रेड या फिर चावल जो बने हुए रहते हैं पके हुए, उनको अगर अपने गार्डन में जगह जगह 3 से 4 जगह रख दूंगी तो वो उन पे ध्यान देगी, मेरे प्लांट पे ध्यान नहीं देंगी। तो इस वजह से फ्रेंड्स मैंने ऐसा करना शुरू किया है और तब से गिलेरियों ने फ्रेंड्स मेरा ज्यादा नुकसान नहीं किया है, सिर्फ वो गुलाब पर ही अभी अटैक कर रही है क्योंकि उनको कलियां काफी ज्यादा पसंद है तो वो इसलिए खाती हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये मेरा एक कोलियस का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड्स। तो कोलियस ऐसा प्लांट होता है फ्रेंड्स कि अगर आप इसे लगा दें तो आपको फ्लावर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ कोलियस को देखकर ही आपका मन भर जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पास में कोलियस की काफी ज्यादा बहुत सारी वैरायटी, मैं जहां जाती हूँ देखती हूँ, अगर कलर डिजाइन पसंद आ जाता है फ्रेंड्स तो मैं ले आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पास में कोलियस कितने सारे पॉट मैंने कोलियस से भर लिए हैं, और कोलियस को अगर आप हमेशा बनाए रखना चाहते हैं अपने गार्डन में फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरीके से जो इसके फ्लावर आते हैं उसे टाइम टू टाइम निकाल कर आप फेंके फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो होते हैं ये प्लांट की जो जितनी भी उसकी जो ताकत रहती है, जितनी भी उसमें जो एनर्जी रहती है, वो ये सारे फ्लावर में ही चली जाती है। तो इसलिए अगर आप इसकी फ्लावर को हटाते रहेंगे फ्रेंड्स तो इसमें नई नई ब्रांचेस निकलती रहेगी। और एक ये प्लांट को देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है, तो इसीलिए मैं एक कोलियस को काफी पसंद करती हूँ फ्रेंड्स। देखिए एक कलर ये भी है और ये काफी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, सभी कलर बहुत ही प्यारे हैं, इसमें नए नए कलर निकल कर आते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारे के सारे जो मेरे सिंगोनियम रखे हुए हैं फ्रेंड्स, और सिंगोनियम के साइड में ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मेरे जो प्लांट हैं आप देख पा रहे होंगे कि एक ये और एक ये सारे के सारे मेरे क्लाथिया के प्लांट रखे हैं फ्रेंड्स, देखिए वो काफी अच्छे से चल रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे क्लेडियम है, तो क्लेडियम की डिजाइन तो आप देख ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि बहुत ही प्यारी निकल कर आ रही है। मुझे लगा था फ्रेंड्स कि ठंड आने पर ये चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स इनकी ग्रोथ चल रही है, तो ये भी मेरे गार्डन में अभी रंग भर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स विंका के प्लांट पे बाहर आई हुई है और काफी ज्यादा काफी खूबसूरत से चल रहे हैं। इधर मैंने अपने जितने भी ये जो मेरे प्लांट है केलांचो के फ्रेंड्स उन पे फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है और कलर मुझे पता नहीं है, तो देखते हैं कि इनमें कौन कौन से कलर आएंगे। तो कल मैंने इन्हें सेपरेट किया है फ्रेंड्स देखिए, और ये थोड़ा से डिस्टर्ब हो गए हैं तो ये ठीक हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स इनमें भी फ्लावरिंग होने ही वाली है, तो इन सब प्लांटों को मैंने इस तरीके से रख दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी मतलब कि शेड की वजह से थोड़ी सी यहाँ पर छन के धूप आती है, डायरेक्ट नहीं आएगी, तो इस तरीके से मैंने इन सबको रख दिया है फ्रेंड्स। मेरे पास में काफी सारे हो गए हैं पर कलर मुझे नहीं याद है, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही रख दूंगी। और देखिए फ्रेंड्स ये मेरा एक और विंका का प्लांट है,
ये टिकोमा है फ्रेंड्स, और टिकोमा के फ्लावर गिलहरी खा जाती है, तो इसलिए बहुत कम ज्यादा मुझे देखने को मिलता है। और इसमें फ्लावरिंग तो होती रहती है फ्रेंड्स, देखिए आप, ये न्यू बर्ड्स आ रही हैं, लेकिन ये गिलहरी खा जाती है। और इस पे भी देखिए, सारी गिलहरी उतर के चली गई है। ये टेबल चांदनी है, कामनी है फ्रेंड्स, और ये चांदनी का प्लांट है। इसको सारे तीनों ही पे जो गिलहरी है उसका ज्यादा अटैक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा येलो कलर का जो उसको बोलते हैं बटन गुलाब, वो वाला प्लांट है, और इसकी जो कलियां हैं वो गिलहरी खाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक फ्लावर था, इसको पूरा खा के खत्म कर दिया है। इसके साथ में इसको भी खा के पूरा खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जो गिलहरी होती है वो मेरे गार्डन में जितने भी गुलाब के जो कलियां हैं, जो फ्लावर हैं, वो खा जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी तीन कलियां लगी हुई थी, और देखिए अभी उन्हें खिलने भी नहीं दिया फ्रेंड्स। और मैं इसको अब थोड़ा सा ऐसा यहाँ से कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अब ये कोई काम की नहीं रही है, तो मैं इसको यहाँ से कटिंग कर दूंगी फ्रेंड्स, तो न्यू ब्रांचेस आ जाएंगी। और एक ये फ्लावर है फ्रेंड्स, तो इसकी भी कटिंग यहाँ से मैं कर देती हूँ इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, ये येलो रोज है, तो अभी इसकी तो कलियां आ रही है, लेकिन इसकी भी कलियों को खाती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि कब तक इसमें फूल आते हैं या फिर गिलहरी लगने देती है। एक ये गुलाबी मेरे पास में मिनी रोज है, तो इसमें थोड़ा से फ्लावर आए हैं। और ये सारे क्लेडियम है फ्रेंड्स, मैं दिखाना आपको भूल गई। तो देखिए, ये विनका है फ्रेंड्स, दूसरे कलर का है, सिंदूरी कलर है। और देखिए, सारे क्लेडियम है फ्रेंड्स, इनमें छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं। इनके पत्तियों का जो साइज है फ्रेंड्स, वो छोटा हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा है। छोटा सा इसका साइज हो गया है पत्तियों का, लेकिन जब पूरा पॉट भरा गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये मैंने सारे जो क्लेडियम है वो मैंने केरला से मंगाए थे, कुछ स्वाति जी जो पुणे में रहती है उनसे मंगाए थे। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्लेडियम है, और इनमें थोड़ी पत्तियां चल रही है। तो यहाँ पर भी एक गुलाब लगा हुआ है फ्रेंड्स, और गुलाब की जो मैंने प्रूनिंग की थी उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी सी बर्ड्स आ रही है, लेकिन अगर खिल गए तो मैं आपसे साथ में जरूर शेयर करूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक सिंगोनियम का प्लांट ये भी है फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा इसमें दो या तीन प्लांट इसमें लगा दिए थे। ये फर्न है फ्रेंड्स, और ये मुझे गिफ्ट आया था, और फ्रेंड्स मैंने इसे कम से कम तीन पॉट में डिवाइड कर लिया है, और ये काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इधर भी मेरा एक अडेनियम का प्लांट रखा है फ्रेंड्स, ये काफी मेच्योर हो गया है, इसका कोडेक्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर कुछ जेड प्लांट रखे हुए हैं, जेड प्लांट को मैंने चीनी के पॉट में शिफ्ट किया है। और ये है फ्रेंड्स एक बढ़िया सा खूबसूरत सा जेजे प्लांट फ्रेंड्स, और ये तीन या चार पॉट में है फ्रेंड्स, देखिए। तो ये एक पॉट ये रहा और एक पॉट ये रहा फ्रेंड्स, मैं इतने छोटे से पॉट में इसको लेकर आई थी जेजे प्लांट को, तो मैंने इसमें से तीन प्लांट बना लिए थे, तीन या चार बना लिए थे फ्रेंड्स। उसमें मेरे एक ओवर वाटरिंग हो गई थी, तो उसकी वजह से वो मर गया, और ये तीन मेरे पास में हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये सारे इंडोर प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं फ्रेंड्स, देखिए। यहाँ पर पुदीना रखा हुआ है, और ये सारे क्लेडियम ये जितने भी है डिफिन बाकिया रखे हुए हैं, और क्रोटोन रखे हुए हैं फ्रेंड्स इसके अलावा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कोलियस भी रखा हुआ है, और कुछ खाद भी बनने के लिए यहाँ पर रखी हुई, जो मैं लिक्विड खाद देती हूँ अपने प्लांट को, वो भी यहाँ पर रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का संडे ओवरव्यू। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी नई वीडियो में किसी नए प्लांट की जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।